उत्तर प्रदेश उन्नाव कोतवाली गंगा घाट जनपद उन्नाव में लगातार बढ़ रहा दबंगों का खूनी खेल। आए दिन हो रही घटनाएं, दबंगों को नहीं रहा पुलिस का डर, निडर होकर करते हैं आत्मघाती हमले। जी हां, आज साझा मामला है जिला उन्नाव के थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुमारिया खेड़ा का, जहां चचेरे भाई की जमीन हड़पने पर लगे हैं दबंग। वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव में दबंगों की आज भी चलती है लंबरदारी। हम बात कर रहे हैं अशोक सिंह सेंगर व शशांक सिंह सेंगर व चंद्रभूषण सिंह सेंगर की, जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में लंबरदारी है कायम। अपनी ही जमीन की देखरेख करने गए अविनाश के ऊपर दबंगों ने की धारदार हथियारों से हमला और उसे कर दिया लहूलुहान। किसी तरह से जान बचाकर घटना स्थल से घर पहुंचा घायल। गंगा घाट पुलिस को दी लिखी शिकायत। अब देखना यह होगा कि दबंगों के साथ कौन सा व्यवहार करती है उन्नाव जिले की पुलिस। कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला है आपका? मामला जो है खेत का लेकर के है, जो मेड़ काटा करते हैं, जो उसी को हमने हम जाकर के रोकने लगे। कहाँ पर रोकने लगे? वो बोरिंग के पास है हमारी खेत को। कहाँ पे? मुझे सर। किसने मारा है, किसको रोक रहे थे आप? और ये अशोक सिंह जो है, अशोक सिंह जो है हमारे चाचा जी के लड़के हैं, वो मारने लगे जो है। और उसके बाद जो है, उसके बाद उसका लड़का आया है, वो भी जो है मारने लगा जो है। काहे से मारा? और ये वो ईटे से और कुल्हाड़ी कमर से जो है मार किया है। कहाँ कहाँ चोटें आपके आई हैं? सर में चोट है और ये गाल पे, मुंह में। प्रार्थना पत्र दिया आपने? प्रार्थना पत्र थाने में दिया जी। सुनील कुमार की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।